प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। भगवान श्री राम के बाल रूप श्री रामलला का स्वागत करने के लिए अयोध्या तैयार है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। लखनऊ के कानपुर रोड पर बंथरा में प्रधान ढाबे के बाहर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की गाड़ी में घुसा युवक, कार स्टार्ट कर भागने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़ा गया घटना के समय में गाड़ी में मौजूद नहीं केंद्रीय मंत्री। अयोध्या से कोलकाता और बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से कोलकाता अयोध्या हवाई सेवा का किया शुभारंभ। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए अयोध्या की ओर भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। 20 जनवरी के बाद हल्के वाहन भी अयोध्या की ओर नहीं जा सकेंगे। हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में अमेरिकी स्वामित्व वाले जहाज को बनाया निशाना। यमन तट के पास हूतियों ने अमेरिकी जहाज पर मिसाइल से हमला किया। कारोबार जगत से दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना, आने वाले वर्षों में भारत की विकास गति रहेगी बरकरार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आगरा से पेठे की 56 प्रकार की मिठाइयां तैयार कराकर विशेष रथ को रवाना किया गया। पेठे से बने मिष्ठान से भोग लगाने की मिली है स्वीकृति। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गाजियाबाद में भी उत्साह। साधु संतों, कार सेवकों और स्थानीय निवासियों ने 22 जनवरी को बताया शुभ और अप्रतिम खुशी का दिन। वाराणसी के कचौड़ी गली स्थित वाराणसी साड़ी के व्यापारी विकास भाव सिंह ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रामायण के संपूर्ण कांडों के चित्रों को साड़ी पर उकेर कर बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने उठाया कदम। 31 जनवरी तक अयोध्या में रेल पार्सल यातायात पर रहेगी रोक। बिजली बकायेदारों की सुविधा के लिए लाई गई एक मुश्त समाधान योजना को मिली सफलता। 8 नवंबर से 16 जनवरी तक प्रदेश में 6600 करोड़ रुपए की हुई वसूली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। भाजपा पदाधिकारियों गांव में करेंगे 24 घंटे का प्रवास। 4 से 11 फरवरी तक चलेगा गांव चलो अभियान। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 21 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप बने रहने के आसार, उसके बाद शीतलहर से राहत की उम्मीद। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जीआरपी, आरपीएफ और एटीएस चला रहा चेकिंग अभियान। अलीगढ़ में बनी प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप कांच की कलाकृति, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में मिलेगा स्थान। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह बलरामपुर में, भारत नेपाल सीमावर्ती थारू बाहुल क्षेत्र में भी दिख रहा। बालापुर जरवा में पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को सजाने के लिए हापुड़ तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव तिगरी में किसान तेग सिंह को 10 टन फूल अयोध्या भेजने का ऑर्डर मिला, जिससे किसान के चेहरे पर भी खुशी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। पुरुष एकल में सुमित नागल उतरेंगे कोर्ट पर, वहीं रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू अपडेन के साथ करेंगे अभियान की शुरुआत। एफआईएच ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की आज जर्मनी से होगी भिड़ंत। रांची में भारतीय टीम ने अपने पूल के अंतिम मुकाबले में इटली को हराकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह।